हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की IEX के बारे में। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि IEX का क्या करना चाहिए, काफ़ी गिर चुका है। फ्रेंड्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बाइंग सेलिंग होता है इसी एक्सचेंज पर होता है, और यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मोनोपोली स्टॉक है, क्योंकि ये कंपनी का जो मार्केट शेयर है करीब करीब 95% है। मतलब मैक्सिमम जो भी ट्रेडिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की इसी एक्सचेंज से होती है। इसका आज का जो ट्रेडिंग चल रहा था 160 रुपीज़ था एंड 52 भी खाया था 320 रुपीज़, तो बहुत ज़्यादा कम रेट में यह शेयर अभी मिल रहा है, करीब करीब 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। और इसका PE देखा जाए तो 47 का है, EPS है 3.40 का, एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है। कंपनी डेट फ्री समझी जाएगी। प्रमोटर्स के पास कोई होल्डिंग नहीं है, बट FII का होल्डिंग है 27% और DII का होल्डिंग है 20%। प्रमोटर होल्डिंग इसीलिए नहीं है कि यह प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है मोनोपोलिस्टिक कंपनी है, और जब मार्केट चलेगा तो ये शेयर भी तेज़ी से भागेगा। मार्केट में जो गिरावट थी उसके कारण ये शेयर गिरा है। हालांकि इसके क्वार्टर रिजल्ट भी लगातार बढ़कर आ रहे हैं। मार्च 2021 में था 64 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2021 में था 80 करोड़ का प्रॉफिट, एंड मार्च 2022 में 81 करोड़ का प्रॉफिट आया है। 150 के आसपास मिल जाता है तो बेस्ट रेट है टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। अभी जो रेट चल रहा है, जो लोग लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं 1 ईयर टू 2 ईयर का, 1 से 2 साल का, उनके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी अभी बाय करने का इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। शॉर्ट टर्म में भले ही 5 to 10 रुपीज़ ऊपर नीचे हो जाए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो जब मार्केट चलेगा तो ये शेयर आपको 300 से 350 के लेवल दिखा सकता है। अभी स्लो इसलिए चल रहा है कि मार्केट में गिरावट है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा उन लोगों ने तो होल्ड करना ही चाहिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को, IEX को, जो कि मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है और इसका फ्यूचर ब्राइट ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन और ट्रेडिंग दिन ब दिन बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं है। तो इसीलिए इस शेयर में आप बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से थोड़े थोड़े ऐड करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, जो कि पोर्टफोलियो में ये भी स्टॉक रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा स्टॉक है। तो इसका जो अभी जो थोड़ा तेज़ी दिख रही है, बट मार्केट गिरेगा तो हो सकता है 155 और 150 तक भी मिल जाए। 150 पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से फिर से बाउंस बैक करना, उससे नीचे गिरना ऐसा लगता तो नहीं है। तो जो लोग अभी बाय करना चाहते हैं फ्रेश लेवल से बाय करते हैं, जो लोगों ने हाई रेट में बाय किया हुआ है उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट चलेगा ये शेयर आपको रिकवर होते हुए देखने को मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।